भरा हुआ लड़की। गाइस क्या आप भी जो कि हिंदी स्टोरी वीडियो जो क्रिएट करना चाहते हैं इस तरीके के, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। गाइस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो कि हिंदी स्टोरी वीडियो जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो कि आप इस तरीके के वीडियो के लिए जो कि आप टॉपिक कहाँ से लाएं और टॉपिक के आने के बाद जो कि आप स्क्रिप्ट कहाँ से लाएं, ये सब है जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और कुछ AI टूल का इस्तेमाल करेंगे और उसके मदद से जो कि हम लोग एक वीडियो को क्रिएट करेंगे वो भी जो कि बिल्कुल फ्री। गाइस यहाँ पे आने के बाद अपना गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे बेस्ट स्टोरी शॉर्ट आइडिया, ठीक है। तो यहाँ से जो कि आपको बहुत सारा जो कि आपको स्टोरी से रिलेटिव आपको आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं इसके अंदर देख सकते हैं अनगिनत है जो कि आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना। यहाँ से ये वाला कहानी हमें काफी बेस्ट लग रहा है जो कि 10 नंबर में, इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग और भी टॉपिक है जो कि देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक पे जो कि वीडियो को क्रिएट करना है, तो अब हम लोग को स्क्रिप्ट रेडी करना, उसके लिए हम लोग ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी पहले जो कि हिंदी में जो कि इस पे स्टोरी क्रिएट कर करके देखें कि इसका स्टोरी किस तरीका से जो कि ये क्रिएट करके देता है। तो सेम स्टोरी जो हम लोग को हिंदी फॉन्ट में है उसे जो कि इंग्लिश फॉन्ट में रहेगा मगर वो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। उसमें जो कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे और फिर से जो कि हम लोग ChatGPT में आ जाएंगे, कुछ इस तरीका का प्रॉम्प्ट डाल दिए हैं। तो गाइस ये जो कि स्टोरी कुछ इस तरीका का क्रिएट करके दे दिया है। अब हम लोग को इस यहाँ पे जो कि इमेज भी जनरेट करवाना है, तो इमेज जनरेट करने के लिए इस स्टोरी को जो कि ब्रेक कराएंगे छोटा छोटा पार्ट में उस प्रॉम्प्ट्स के मदद से, यानी कि उस टेक्स्ट के मदद से जो कि हम लोग इमेज को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद हम लोग ChatGPT को जो कि कह रहे हैं कि ब्रेक करो इस स्टोरी को, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट्स डाले हैं। तो यहाँ पे जो कि अलग अलग जो कि 5 ऑप्शन है जो कि इसका दे दिया है कि आप इस तरीके के जो कि आप इमेज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग को इमेज को जनरेट करना, उसके लिए क्या करेंगे, इसे जो कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, न्यू टैब है जो कि ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे स्टेबल डिफ्यूजर, ये आ गया। यहाँ पे जो कि सेकंड वाले जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो प्रॉम्प्ट्स लाए हैं वो प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद फोटोग्राफी ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेक्ट रेशियो है जैसा आपको इमेज चाहिए वैसा जो कि एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इमेज है जो कि अपना जनरेट कर करके ये दे दिया है। इसी तरीका का जो कि जितना भी प्रॉम्प्ट्स है वो प्रॉम्प्ट्स की मदद से जो कि हम फटाफट सभी इमेज को जो कि जनरेट कर लेते, तो ये इस तरीका से जो कि इमेज अपना जनरेट हो चुका है। अब हम लोग इमेज को जो कि वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे runwayml.com और ये यहाँ पे आ जाएगा, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ट्राई फॉर रनवे इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज टू वीडियो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद इमेज वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से जो भी आपका इमेज है जो डाउनलोड किए उस इमेज को जो कि हम लोग यहाँ पे अपलोड में लगाएंगे। तो सबसे पहला इमेज ये वाला था, इसे जो कि सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और ये यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया। तो गाइस ये जो कि देख सकते हैं इमेज है जो कि अपलोड हो चुका है। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये जिस एक्सपेक्ट रेशियो में जो कि इमेज डाउनलोड हुआ है उस एक्सपेक्ट रेशियो में जो कि ये इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस तरीका से। इंस्टाग्राम के लिए अगर ये वीडियो बनाते हैं उसके लिए तो ये बेस्ट है, अगर हम लोग यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनाते हैं लैंडस्केप में तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो कि यहाँ पे एक न्यू इमेज है जो कि अपलोड करेंगे उसे यहाँ पर फिर से अपलोड में लगाते हैं और ये जो कि देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर जो कि इसका एस्पेक्ट रेशियो है जो कि यहाँ पे हम लोग 60:9 कर दिए हैं, उसके बाद है कि हम लोग इसे जनरेट कर दिए हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो कि ये लैंडस्केप में जो कि वीडियो जनरेट होकर के आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके के सेम फार्मूला को इंप्लीमेंट कर करके जितना भी आपके पास इमेज है उसे जो कि आपको वीडियो में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको यहाँ पे काफी वीडियो कन्वर्ट होने के बाद, यानी कि 4 से 5 वीडियो आप फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता तो इसके लिए जो कि एक और ऑप्शन है वहां से जाकर के आप अपने इमेज में जो कि आप वीडियो की तरह जो मोशन ऐड कर सकते हैं। इस पे भी हम बहुत पहले जो कि एक वीडियो में बताए थे, अगर आप लोग को नहीं पता तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे आने के बाद टाइप करेंगे लेपिक्स और ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद जो अपलोड वाले ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद कोई भी जो भी आपको इमेज चाहिए तो फिर यहाँ पर इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे एनिमेशन वाले जो ऑप्शन है इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एनिमेशन स्टाइल एनिमेशन ये सब में जो कि आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, जैसा आपको चाहिए
जितना स्पीड में चाहिए वो जो कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐड करने के बाद सिंपल आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। गिफ्ट में या MP4 जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें जो कि आपको क्लिक कर करके आप तो MP4 में जो कि कन्वर्ट हो चुका है देख सकते हैं कुछ इस तरीका के। ठीक है, इस तरीका से जो कि किसी भी तरीका के जो कि इमेज को जो कि आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते। तो अब हम लोग के पास जितना भी स्क्रिप्ट है हिंदी का वो स्क्रिप्ट का जो कि हम लोग को वॉइस में कन्वर्ट करना, उसके लिए या तो हम लोग ओवर वॉइस कर सकते हैं उसमें जो कि काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे AI का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि हम लोग यहाँ पे 11 लाइव करके है इसे जो कि हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हिंदी वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है वो। उसके बाद जो भी आपके पास स्क्रिप्ट है वो सभी स्क्रिप्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर करके ले आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका से जो कि ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो गया कि आप छोटा छोटा पार्ट में जो कि आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज दो पेज का अगर आपके पास स्क्रिप्ट है उसे आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं बल्क में, तो उसके लिए हम आपको न्यू वेबसाइट जो रिकमेंड करेंगे उसका नाम है क्लीमचैंप, जो कि हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा, टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करेंगे और स्वर मधुर वो आप अपने हिसाब से देख लेना। प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीका से ये कन्वर्ट होकर के आ गया। अब इसे सिंपल हम लोग यहाँ पे ये सेव मीडिया पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो ये टाइमलाइन पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीका से जो कि आप टेक्स्ट टू वॉइस कर सकते हैं वो भी फ्री में। जी हाँ, अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट आ गया है कि हम लोग को जो भी स्क्रिप्ट वॉइस जो भी वीडियो जो कि हम लोग रेडी किए हैं उसे जो कि वीडियो में कन्वर्ट करें यानी कि फाइनल मोड दें। उसके लिए जो भी आपके पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑनलाइन है जो कि आप कैनवा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि हम कैनवा का इस्तेमाल करने वाले हैं, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कैनवा और ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका साइज है वो आपको अपने वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर लेना, आप रील बना रहे हो या आप वीडियो बना रहे हो जैसा आपको जरूरत है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपलोड वाले सेक्शन पे आ जाना है और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी अपने पास जो फाइल है इमेज वीडियो वॉइस ओवर वो सब का जो कि यहाँ पे हम लोग अपलोड कर लेंगे फटाफट। इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी फाइल जो कि अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे सभी वीडियो का जो कि हम लोग टाइमलाइन पे सेट कर लेंगे, जैसे जैसे आपका वीडियो का स्क्रिप्ट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सभी को सेट कर लेना। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड सेटिंग पे आपको क्लिक करना, सभी का मतलब फिट टू पेज हो जाएगा इस तरीका से। अगर इस तरीका का रहेगा तो इसे भी इस तरीका से सबको सेट कर लेते हैं बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे MP3 है उसे भी यहाँ पे ले आते हैं और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जो कि इसे इस तरीका से सेट कर लेंगे, जितना आप इस पे ध्यान देकर आप वीडियो को एडिट करिएगा उतना बेस्ट क्वालिटी में जो कि ये आएगा, क्योंकि किसी भी तरीका के जो कि आपके पास स्क्रिप्ट वीडियो हो वो फाइनल कब होता है, जब आप उसमें बेस्ट से जो कि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो कुछ इस तरीका से जो कि नॉर्मली हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो इस तरीका से आपको कर करके सिंपल आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे MP4 सिलेक्ट करना और इस तरीका से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीका के अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास फिल्मोरा है, फिल्मोरा में भी सेम वैसे ही करेंगे। जितना भी आपके पास फाइल है वो सभी को जो कि यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करके ले आना है, फाइनल टच दे करके जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने चैनल पे या सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये आपका स्क्रिप्ट हो गया, आपका जो कि विजुअल हो गया और आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, ये तीन चीज आपको काफ़ी टाइम दे करके करना। जब हम वीडियो बनाते हैं तो इसमें जो कि हम लोग सिर्फ आपको बताने का कोशिश करते हैं, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, सिर्फ हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और जो रियलिटी है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। कि इस तरीका से आप जितना इस पे आप मेहनत करेगा, आप कोशिश करें जैसा आपका स्क्रिप्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करें, कुछ जो कि साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करें, तो उससे आपका वीडियो जो कि और बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। उसके बाद जो कि जब वो वीडियो जब प्ले करिएगा ना आपको खुद अच्छा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।